अलमदार अलविदा, नामों से रिसालत के पहरेदार अलविदा, ऐ खत्म नबूवत के अलमदार अलविदा, उम्रे तमाम अपनी मोहम्मद के नाम की, सरकार दो आलम के वफादार अलविदा, लिखते हुए कफील कलम मेरा रो पड़ा, लिखते हुए وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أحباب الذكر एक आशिक रसूल का जनाजा आप सबने मुनाजा फरमा लिया, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। अहबाब ज़ुल्फ़िकार जनाजा देकर ईमान भी ताजा हुआ है और जो ईमान की चाशनी है वो भी बढ़ चुकी है। इस वजह से अब जब जनाजे में देखा गया अलग रंग है, अलग से माहौल है, उस पर एक मखदूम शाह साहेब उनका एक बड़ा वायरल हो रहा है, उसका एक वाक्य सुनाते हुए इंशाल्लाह नारों की दूर पे अपने कलाम को खत्म करूंगा। अहबाब ज़ुल्फ़िकार मखदूम शाह साहेब आप फरमाते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हूँ, मेरे साथ मेरा एक दीन है जो मेरे साथ बैठता है, लेकिन है दियोबंदी आलमे दीन है और जबरदस्त आलमे दीन है। कहते उसने मुझे बात सुनाई, उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है वो मुफ्ती है, वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते किसी ने उसको बताया कि खादिम हुसैन रिज़वी का इंतकाल हो गया है। जब उसने ये बात सुनी उसने कहा चंगा होया मर गया है, लोगों ने वक्त आया होया उसने पंजाबी में कहा अच्छा हुआ मर गया है। अहबाब ज़ुल्फ़िकार वो गाड़ी चला रहा है, साथ उसने ये अल्फाज कहे, कहने के बाद कहते बात गुजर गई, रात गुजरी बात गुजरी, जब दिन हुआ उसकी कॉल आ गई, उसने मुझे कॉल की, उसने कहा आओ मेरे पास आओ, तुझसे कोई बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि तुमको का पता था पता नहीं इसे क्या हो गया, हो सकता है कि इमरजेंसी हो, मुझे बुला लिया, मैं वहां पर चला गया। जब मैं अपने दोस्त के हाथ पहुंचा दोस्त ने मुझे बताया रात को सोया ख्वाब में क्या देखता हूँ, कहते हैं कि ख्वाब में ये है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का विसार हुआ है, लोग जोग दर जोग नमाज़े जनाज़ा में आ रहे हैं। मैंने जब लोगों की इस फदा को देखा मैं भी नमाज़े जनाज़े में शामिल हो गया, कहते मैंने भी नमाज़े जनाज़ा पढ़ा, पढ़ने के बाद उनको उठाया गया और तदफीन के लिए ले जाया गया, कहते मैंने भी जहाँ साथ चलना शुरू कर दिया, जहाँ तदफीन हुई मैं भी वहां पहुंच गया, कहते लोग वहां पर जमा थे, लेकिन तदफीन करने के बाद लोग वापस पलटे, कहा मैं तने तनहा रह गया। मैं जब उनकी कब्र से निकलने लगा तो कहते जैसे ही निकलना था कि हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का हाथ आपकी कब्र से बाहर आ गया, बाहर आने के बाद उन्होंने मेरी टांग को पकड़ लिया और टांग को पकड़ने के बाद आप फरमाने लगे अज्ञे में एक हुंदा की, अज्ञे में एक हुंदा की, कहा मैं तो तड़प गया, मैं इस बात पर हैरान था कि कब्र से हाथ निकला और मेरी टांग को पकड़ कर ये कहता है अज्ञे में एक हुंदा किए। कहते मैंने पीछे से गर्दन घुमा कर देखा, कहते जब कब्र को देखा तो कब्र पर अनवारों का जलियां की बारिश हो रही थी, अल्लाह का नूर बरस रहा था। तो कहते मैंने थोड़ी देर के बाद क्या देखता हूँ, कहते फिर आवाज आई अज्ञे में हुंदा किए, कहते कब्र खुली, कब्र हुई शक, उसमें एक सवारी एक तन से
हमारी किसकी है जो एकदम से नूरानी आई है और नूरानी होने के बाद इस कब्र से ऐसे निकल रही है। खादम हुसैन इसी साहब ने कहा, ऐ बंदे खुदा सुन, ये सवारी उसी की थी जिसके पास जिंदगी भर गाने लगाता रहा। और अबकर जी बकार अगली बार उन्होंने उसका नंबर भी दिया। अब ये डेप्थ बार मैं सुना रहा हूँ। अब जब शख्स से डेप्थ बार अब अगर वक्त लगेगा अब अगर से बकार ने कहा जब ये बात सुनेगा तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जिंदगी भर जिनके नारे लगाता रहा हूँ ये वही साहब थी। उसके बाद उन्होंने कहा जब बाइक या रसूल अल्लाह कहते उन्होंने जैसे तब बाइक कहा इर्द गिर्द जितनी भी कमरे थी सबसे आवाज आई या रसूल अल्लाह तब बाइक तब बाइक तब बाइक तब बाइक तब बाइक। अब यही नारा लगाएंगे सारे लगाइए खुदा की कसम है कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आ रही थी। कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आ रही थी। और अगले जुमले में मुझे बता हमारा अगर जिस्म एक दिन से ज्यादा पड़ गए चेहरा स्याह पड़ जाता है लेकिन खादम हुसैन रिजवी के चेहरे को देखो अब मुझे बता नसार हुआ है चेहरे की रंगत और है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया चेहरे की रंगत में इजाफा होता चला गया। अब मसीह का जो पहली तस्वीर है उसमें देखिए इतनी नूरानियत नहीं है उस तस्वीर के मुकाबले में। जब कब्र में उनका जिस्म उतारा जा रहा था तो अब मसीह का उस नूरानियत में कई गुना इजाफा हो गया। और दूसरी बात जितनी भी उनकी तस्वीरें देखें ये जो सोशल मीडिया वाले हैं ये जरा गौर कीजिएगा उनकी जितनी भी तस्वीरें हैं किसी तस्वीर में मुस्कुराहट नहीं किसी तस्वीर में मुस्कुराहट। लेकिन जब कब्र में उतारा जा रहा है और उससे पहले जो तस्वीर ली गई है जिस तस्वीर पर उनका बदन इशारा ज्यादा है उनकी दाढ़ी मुबारक पर हाथ फेर रहा है उस तस्वीर को देखिए अब इस प्रकार मुस्कुराहट नजर आ रही है। कोया के वो बता ये रहे हैं मैं मरा नहीं हूँ मैं जिंदा हूँ हम मरते नहीं हम जिंदा रहते हैं। ओ खुदा के बंदो जिनका गुलाम मरने के बाद जिंदा है उनके आका का आनंद क्या होगा जिनका गुलाम जिंदा है उनके आका का आनंद क्या होगा। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरी अगर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाग से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। अब मैं बस बकार कलाम को इंशाल्लाह क्योंकि मुख्तसर वक्त है इंशाल्लाह कभी कलाम होगा अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी की साथ पर उनकी साथ के हवाले से इंशाल्लाह जब कलाम होगा फिर जुबन बनेगा। आइए इस कलाम को खत्म करके नारे बंदगी नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी
नारा लगाते थे, आप जोर से चीत्कार करो, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद मनसब पर अभिषेक करो, मनसब पर अभिषेक करो, वो इसी पर जोर देते और हम सुए अशद चलेंगे शाय अब्रार के साथ, और काफिला सालार के साथ, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, कौन होता है लिपट कर दरो दीवार के साथ, और हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी घर मुलाकात हो गई जनाजा दाई दिखाया हुआ और सारे मांगे हैं इस मर्दे पलंदर को, लेकिन लोग ये ना भूले बेटा आया ना, शेर का बेटा शेर होता है, शेर का बेटा शेर होता है, वो जिस तरह का शेर है हमने अपनी आंखों से पिछला जब निकला था देखा बाबा जी बकार, जब शहरी होती थी ये शेर का बच्चा सबसे आगे इस वजह से इंशाअल्लाह हुए अजीज वक्त आने वाला है तीन तख्त पर होगा, तीन 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 तख्त पर होगा, और इंशाअल्लाह फिर बाहर देखेंगे अब आप इस बकार अल्लाह उसका दिल की बार का एक अस्पताल में दौड़ है अल्लाह ताला इस गरीब बलिये कामिल के तवस्सु से हजरत अल्लामा मौलाना अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह ताला उनके दरजात में बुलंदियां अता फरमाए, वाखुल दावाया अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो जिक्र अज़कार हुआ कलिमा शरीफ की तिलावत हुई, जो मेरे मिल्क किया गया ये लंगर का इंतजाम सुनाम हुआ, या बारी ताला इस तमाम को अपनी बारगाह उलूहियत में दर्ज है कबूलियत अता फरमा, इसका सवाब सरकारे दो जहां पे हबीब व दुहा अलैहि तहियत व सलाम अकले सलात व सलाम के वालिदैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन अज़वाज मुतहरात व बहात मोमिनीन जमी अहले ईमान पीर सैयद महले लिशा सब समय जितने भी वलिए कामिल गिर्द व नवा में मौजूद या रब किरदिगार उन तमाम रूहे कुदसिया की बारगाह में पहुंचाते हैं कबूल मंजूर फरमा, जितने भी अहले ईमान बड़े छोटे कब्रस्तानों में मदफून तमाम के अरवाह को पहुंचाते हुए खुसूस बिल खुसूस या मौला कुदूस इस तमाम का सवाब अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी बारगाह में पहुंचाते हैं कबूल मंजूर फरमा, या बारी ताला आपके दरजात में मजीद बुलंदियां अता फरमा, आपकी कब्र को मजीद गुलो गुलजार बना, आपकी कब्र पर मजीद अनगिनत रहमतों का नुज़ूल फरमा, उस मर्दे कामिल का तवस्सुल हम सब की मगफिरत फरमा, हम सब के सुगीरा कबीरा गुना हुक्म हुआ फरमा, दुआ को है या रब किरदिगार जिस प्यार मोहब्बत और खुलूस नियत से ये इंतजाम सुराम किया गया या रब किरदिगार पियाम साहब और इनके अहले खाना और इस तहरीक को या अल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम को अजरे कसीर अता फरमा, तमाम के हक में अपने सब की इल्तिजा को कबूल मंजूर फरमा, सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही व नूरि अशरफ़ मक़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिक, नामूसे रिसालत के पहरेदार अलविदा, ऐ ख़त्मे नबूवत के अलमदार अलविदा, नामूसे रिसालत के पहरेदार अलविदा, ऐ ख़त्मे नबूवत के अलमदार अलविदा, ख़ादिम हुसैन आ
آپ کی شفقت کو ہے سلام، خادم حسین آپ کی جرأت کو ہے سلام، خادم حسین آپ کی عظمت کو ہے سلام، خادم حسین آپ کی رفعت کو ہے سلام، خادم حسین آپ کی شوکت کو ہے سلام۔